ये रिक्शे वाला मेरे क्वेश्चन आंसर पर टिक लगाएगा। ये गवार जाहिल, तू पागल वागल हो गया क्या सौरभ? क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए ले आया है, चल यहाँ से। अरे तू पागल हो रही है, माना कि वो रिक्शा चलाता है लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी थोड़ी है। अरे ये क्या पढ़ाई करेगा, अगर ये पढ़ाई कर रहा होता तो 10-10 रुपए सवारी पे रिक्शा थोड़ी ना चला रहा था। अबे सुन साहिबा, वो तेरी तरह नहीं है जो अपने माँ बाप के खर्चों पे पल रहा है, वो खुद बेचारा अपना भी खर्चा निकालता है, अपने घर वालों का खर्चा निकालता है। और हाँ, UPSC एग्जाम का ना इसका तीसरा अटेम्प्ट है और अब की बार मुझे पक्का यकीन है कि इसको ये टेस्ट को क्लियर कर लेगा और एक अफसर बनेगा बड़ा। मुझे बहुत नाज है इसके ऊपर, मैं तो तेरे को गलत लेके आ गया लगता है यहाँ पर। देख साहिबा, अगर कोई इंसान रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। तुझे पता है इस भाई ने 10 साल मेहनत करी है और पूरे टाइम क्लास का टॉपर रहता था। वो तो ये है कि बेचारा घर भी चला रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और जैसे तैसे इसको टाइम मिल पाता है पढ़ाई करने का। तो